हेलो एंड वेलकम टू आरआर इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रुचि राय। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय डाक सेवा यानी इंडियन पोस्टल सर्विस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खास बातें बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या क्या है वो खास बातें। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में संदेश भेजने का काम राजा महाराजाओं के वक्त से चला आ रहा है। पहले लोग पैदल और घुड़सवार आदि का इस्तेमाल किया करते थे, मगर जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना कब्जा करना शुरू किया उस वक्त उन्हें लगा कि भारत में डाक सेवा शुरू करने की सख्त जरूरत है। हालांकि इसमें उनका खुद का स्वार्थ था ताकि वो अपने संदेश अपने लोगों तक पहुंचा सके, मगर कहीं ना कहीं उसका फायदा हमारे देश के लोगों को भी मिलने वाला था। साल 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार हमारे देश में पोस्टल प्लान की शुरुआत की, जिसे सिर्फ ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यवसायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन साल 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस सर्विस को आम भारतीय लोगों के लिए भी खोल दिया। सबसे पहला डाकघर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साल 1726 में कोलकाता में खोला गया था। इसके बाद दो और डाकघर खोले गए थे, मुंबई और चेन्नई में। सबसे पहला जीपीओ साल 1774 में खोला गया और वो भी कोलकाता में। आज की तारीख में लगभग 4,60,000 से भी ज्यादा लोग डाकघर में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे देश में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें से 90% यानी तकरीबन 1.3 लाख डाकघर गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में हैं। देश का सबसे पुराना पोस्ट बॉक्स नंबर केरल के मुनार में है, जिसका नंबर 9 है और ये साल 1920 में बनाया गया था और इस तरह इस पोस्ट बॉक्स नंबर ने अपने 100 साल पूरे किए हैं। दुनिया की सबसे पहली एयर मेल सर्विस हमारे देश भारत में ही शुरू की गई थी, जो कि साल 1911 में नैनी से प्रयागराज के बीच चलाई गई थी। इस एयर मेल ने अपना 5 माइल का सफर पूरा किया था। हमारे देश में एक ऐसा भी पोस्ट ऑफिस है जहां पे पूरा स्टाफ महिलाओं का है। जी हाँ, वो पूरा पोस्ट ऑफिस सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मचारी ही संभालती हैं। और दो ऐसे भी पोस्ट ऑफिस हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स कहे जा सकते हैं, क्योंकि वहां उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसकी खासियत ये है कि एक पोस्ट ऑफिस ऐसा है जिसे हम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहते हैं, क्योंकि वो पानी पे तैरता है, और दूसरा एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले नंबर पे आता है। कौन कौन से हैं ये पोस्ट ऑफिस और किन जगह पे हैं और क्या है इनकी खासियत, आइए देखते हैं। दोस्तों, कश्मीर के डल लेक पर बना हुआ है दुनिया के इकलौता फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही नहीं बल्कि एक छोटा सा म्यूजियम भी है। पहले इस पोस्ट ऑफिस का नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, लेकिन साल 2011 में इसका नाम बदलकर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रख दिया गया। डल लेक को देखने आए लगभग सभी टूरिस्ट इस पोस्ट ऑफिस को देखने जरूर आते हैं। इस पोस्ट ऑफिस की एक और खास बात है कि ये 24 घंटे खुला रहता है, मतलब ये कि आप किसी भी वक्त यहाँ पे जाके अपना काम कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस के बारे में, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश विदेश से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप तक हम पहुंचा सकें। तो चलिए अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस के बारे में, जो कि लगभग 14,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई सुनकर ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में बना है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, जिसकी शुरुआत साल 1983 में की गई थी। जहां ज्यादातर लोग ऊंचाई से डरते हैं, तो वहीं हमारी भारतीय डाक सेवा यहां भी अपनी सर्विस देती है। दोस्तों, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखने वाले अंटार्कटिका में भी भारतीय डाक सेवा शुरू की गई थी, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ये साल 1983 में शुरू किया गया था, लेकिन इसे एक साल के ही अंदर बंद करना पड़ गया। चलिए अब आपको इंडियन पोस्टल सर्विस की एक और खूबसूरत बात बताते हैं। भारतीय डाक विभाग ने साल 2016 में माई स्टैम्प सेवा की शुरुआत की, जिसमें कोई भी आम आदमी अपनी तस्वीर को स्टैम्प के रूप में बनवा सकता है। इस सर्विस का नाम है माई स्टैम्प सर्विस। इसमें कोई भी 300 रुपए देकर अपनी खुद की फोटो की 12 डाक टिकट बनवा सकता है।
ठीक वैसे ही जैसे पहले स्टैंप पे किसी महापुरुष की फोटो होती थी या फिर कोई कलाकृति बनी होती थी। तो देखा आपने कितना पुराना और कितना खास इतिहास है भारतीय डाक सेवा का। आज की डेट में जहां हम सभी अपनी डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाते हैं, तो वहीं एक वो वक्त भी था जब नीले रंग के खत पे, जब नीले रंग की अंतर्देशी पे लोग अपने संदेश एक दूसरे को लिख के भेजा करते थे। आप में से कितने लोगों ने उस अंतर्देशी का इस्तेमाल किया है, पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया और अपने जो मैसेजेस हैं वो टेलीग्राम से पहुंचाए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो और लाइक को शेयर करना ना भूलें। और क्या करना है आपको, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है।